सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहां से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा, गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है, इसको क्या सजा मिलेगी? गुरुजी कहने लगे, बेटा फिर बताऊंगा, आ जा सुमन कर अपना, चल। चलते सफर कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते दो वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया, लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, सलाखों की संख्या में कीड़े, उसको मोटे मोटे कीड़े खाने लग रहे, और वो चिल्लावे बुरी तरह। अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे। वहाँ उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है? तब उस गुरुजी ने बताया, बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियाँ पकड़ रहा था और वो मछियाँ तड़प तड़प कर जीव छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है, और ये कीड़े वो मच्छी हैं, आज अपना टेट फॉर टेट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मान अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, यानी बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, माम माने मुझ ब्रह्म को बजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते, और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा, ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। और ये बताने वाला साधु संत महात्मा के वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है, और वही ईष्ट रूप में बना के पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्म विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की
तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट। अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है ब्रह्म तक भी मुश्किल थे ये ज्ञानी आत्मा, कोई कोई किसी अंत के जन्म में बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बदते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अपने आत्माओं ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़े ही थे, ये ऋषि महर्षि शर्मार के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि नौमन सूत उड़ जिया और ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उड़ जन दूजी बार। परमात्मा जो लाए का काम करते थे और एक किलोग्राम एक शेर सूत उलझ जाता, वो कच्चा सूत, उसको सुलझाने में दो दो तीन तीन दिन की दाढ़ी चली जाती थी उनकी। अगर गांठ पड़ गई तो धनी का सूत, फिर वो कपड़ा महंगा बिकैली उसके उल्टा पटक दिया और पैसे लेने आ रहे तो उसको सुलझाना पड़ता था कि ये टूटे नहीं, और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी दाढ़ी बननी थी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो आध्यात्मिक जो सूत है, एक शेर की बजाय इसने तो नौ मन सूत उलझा दिया 360 किलोग्राम। परमात्मा कहते हैं इन अनजान ऋषियों ने नौ मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया इस दास ने परमात्मा की दया से, इस कलयुग में नहीं उलझेगा यू तत्व ज्ञान। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो वो अलग बात, उसके भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है, वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब जगह पर हो, सब जगह उसका निवास हो। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि अर्श कुर्श पर अलह तकत है, उस परमात्मा का तख्त राजधानी ऊपर है, अरस के कुर्स में कॉर्नर में सबसे ऊपर के स्थान पर, अरस कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। ओए कहते उस परमात्मा के बिना उसकी नज़र से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके ब्रह्मंडों का बचा नहीं है, सब जगह उसकी दृष्टि है, यानी उसकी पावर सब जगह विद्यमान है। ओ परमात्मा भले ही ऊपर बैठा है, तो कहते हैं वासुदेव का अर्थ है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, सब जगह उसका वास हो। जैसे परमात्मा की परिभाषा के अंदर क्या आता है, एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक SDM भी साहब कहलाता है, और DC और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये और राष्ट्रपति, ये सभी साहब कहलाते हैं, लेकिन इनका अपना क्षेत्र होता है, इनकी अपनी अक्षमता होती है पावर की। तो इसी प्रकार जैसे CM मुख्यमंत्री है एक क्षेत्र का, पर वासुदेव एक अक्षर अक्षेत्र के ऊपर वो प्रभु है, सब के ऊपर वास नहीं है उसका। जैसे प्रधानमंत्री को लेकर चले हम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, तो प्रधानमंत्री जी अपने भारतवर्ष के ऊपर वासुदेव है, वो अंडर इतना संकेत बतेरा आपने समझने के लिए।